इमर्जिंग एशिया कप 2024 जो कि इमर्जिंग एशिया कप का छठा एडिशन होगा। ये टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक ओमान के शहर अलमीरत में खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8 टीमों के दरमियान 15 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीम्स को 4-4 टीम्स के दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में शामिल हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका की टीम्स, जबकि ग्रुप बी में शामिल हैं इंडिया, ओमान, पाकिस्तान और यूएई की टीम्स। आइए अब जानते हैं इस टूर्नामेंट के मुकम्मल शेड्यूल के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेड्यूल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि टूर्नामेंट के हर रोज दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 2 जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7 खेला जाएगा। और टूर्नामेंट के तमाम मैचेस T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे और तमाम मैचेस ओमान के शहर अल अमीरत में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के पहले रोज फ्राइडे 18 अक्टूबर को पहले मैच में हांगकांग का मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ, जबकि दूसरे मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ। इसके बाद टूर्नामेंट के दूसरे रोज सैटरडे 19 अक्टूबर को पहले मैच में यूएई का मुकाबला होगा ओमान के साथ, जबकि दूसरा मैच होगा फाइनल से पहले सबसे बड़ा मुकाबला जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। इसके बाद संडे 20 अक्टूबर को पहले मैच में श्रीलंका का मुकाबला होगा हांगकांग के साथ, जबकि दूसरे मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। इसके बाद मंडे 21 अक्टूबर को पहले मैच में ओमान का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ, जबकि दूसरे मैच में इंडिया का मुकाबला होगा यूएई के साथ। इसके बाद ट्यूसडे 22 अक्टूबर को पहले मैच में हांगकांग का मुकाबला होगा अफगानिस्तान के साथ, जबकि दूसरे मैच में बांग्लादेश का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ। इसके बाद वेडनेसडे 23 अक्टूबर को पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला होगा यूएई के साथ, जबकि दूसरे मैच में इंडिया का मुकाबला होगा ओमान के साथ। इसके बाद 24 अक्टूबर को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि फ्राइडे 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मैचेस। पहला सेमीफाइनल मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 2 इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2:30 पर, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7 खेला जाएगा। इसके बाद संडे 27 अक्टूबर को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल मैच। ये मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7 खेला जाएगा।